feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्यूटी सर्बी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये ब्यूटिफुल ब्लू आई मेकअप लुक। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ईजी है अचीव करना, और आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो आप उनसे ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर। ये ऑयल फ्री है, दैट मीन्स कि आप इसे समर्स में यूज़ कर सकते हैं। जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इवन समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट फाउंडेशन, विच इज़ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज। ये फाउंडेशन सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है। माइन इज़ ड्राई स्किन, मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो मैं इसे अपने यू नो हैंड बैक ऑफ द हैंड पर लेकर और ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा कवरेज देती है, तो मैं कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, इसी को अपनी आईलेट्स पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मैं आई शेडो अप्लाई कर सकूँ। तो आप चाहें तो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कंसीलर को स्किप कर दिया, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट अपने बेस को सेट करने के लिए, और इसका जो शेड है मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप शेड चेक कर सकते हैं। इसे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। ऑल्दो ये कॉम्पैक्ट है, आप इसे स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे इससे बहुत अच्छी फिनिश मिल रही थी तो मैंने इसे ट्राई किया है। सो ये पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे कॉम्पैक्ट को अप्लाई किया, एंड आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितनी इवनली ये स्प्रेड हुआ है, और लास्ट में मैंने इसे स्पॉन्ज से फाइनल एप्लीकेशन की है। लास्ट में मैंने इसे स्पॉन्ज से भी अप्लाई कर लिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप चाहें तो स्पॉन्ज से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट नायका की ब्राउ चिका आईब्रो पेंसिल, एंड ये बहुत अच्छी है, ब्राउन कलर में है, और आपके पास जो भी पेंसिल अवेलेबल हो आप उससे फिल कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को। एंड इसके दूसरे साइड पर स्पूली भी आता है, तो मैं अपनी आईब्रोज को सेट भी कर लूँगी इससे। ओके, सो फॉर आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ फोका लेयर का स्वीट एज हनी आई शेडो पैलेट। ये बहुत सुंदर आई शेडो पैलेट है। सो इस पैलेट में से मैं ये बहुत ही प्यारा सा लाइट पेस्टल पिंक कलर अप्लाई करूँगी अपनी पूरी आईलेट्स पे, और इसी को मैं एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। ट्रांजिशन शेड भी यही रहेगा, और आईलेट्स पे पूरी अप्लाई कर लूँगी मैं इसे इस तरीके से, क्योंकि मुझे बेस में कुछ पिंक कलर चाहिए था, बहुत ही लाइट पेस्टल यू नो मॉविश काइंड ऑफ पिंक चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये कलर यूज़ किया है। उसके बाद मैं इस पैलेट में से लूँगी ये ब्यूटिफुल सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ शेड। ये बहुत प्यारा कलर है गाइज, एंड इसे मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है अपनी आईलेट्स पे, क्योंकि ये ब्रश की हेल्प से उतने अच्छे से पिक नहीं होता है। एंड इसे जो मुझे डिज़ायर्ड कलर था मेरा, जो मुझे चाहिए था, उसके लिए मैंने बहुत बार इसे अप्लाई किया है। ये एक बार में इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं देगा, आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा अंटिल यू गेट योर डिज़ायर्ड कलर। सो मैंने इसे कई बार अप्लाई किया है, तो रील में तो सॉरी वीडियो में तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में दिखा रही हूँ, बट मैंने इसे कई बार अप्लाई किया था टू गेट दैट पर्टिकुलर कलर। उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड लगे, ऐसा ना लगे कि हमने अलग अलग कलर्स अप्लाई किए हैं, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आता है, बहुत स्मूथ आई शेडो लगता है आपका। देन फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग लैक्मे इंस्टा लाइनर इन दी शेड ब्लू, एंड मैं ब्लू इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज का मेकअप लुक जो है वो ब्लू है। सो मुझे ये शेड बहुत बहुत पसंद है। यू गाइज कीप ऑन आस्किंग जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ कि मैंने कौन सा ब्लू लाइनर लगाया है, तो ये लैक्मे का ब्लू लाइनर है, बहुत अमेजिंग लाइनर है ये। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का जेल काजल इन दी शेड टर्कोइज, एंड ये शेड बहुत ब्यूटिफुल है एंड परफेक्ट था इस लुक के लिए, क्योंकि मुझे जो कलर चाहिए था यू नो सी ग्रीन काइंड ऑफ कलर, ब्लूइश कलर जो चाहिए था, वो यही वाला शेड है टर्कोइज कलर, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो आप खुद ही देख लीजिए। तो लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट रेड चेरी 3D आईलैश, बहुत अच्छी आईलैशेस है गाइस, आप खुद ही लुक देख सकते हो। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग मेबेलिन टेम्पटेशन मस्कारा, टोटल टेम्पटेशन मस्कारा, ये बहुत अच्छा मस्कारा है, इसे आप अपनी यू नो फॉल्स लैशेज और अपनी नेचुरल लैशेज को मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा ये।
ओके देन फॉर ब्लश कंटूर एंड हाईलाइट आई एम यूजिंग दिस शुगर का कंटूर जी फोर्स फेस पैलेट. इसमें आपको तीनों शेड्स मिलते हैं, हाईलाइटर, ब्लश एंड कंटूर. तो ब्लश मैंने सबसे पहले अप्लाई करूँगी, तो एक ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी स्माइल करते हुए ऑब्वियसली, एंड थोड़ा सा मैं नोज़ पे भी और थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई कर लूँगी. तो इसे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप खुद देखना अप्लाई करने के बाद. देन कंटूरिंग के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें आपको कंटूर शेड मिल जाता है. ओके सो कोई भी मेकअप लुक विदाउट हाईलाइटर कंप्लीट नहीं होता, तो हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट अनस्तासिया का एमरेजी हाईलाइटर, एंड ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये इसकी जगह आप कोई सा भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं आप वही यूज़ करें. आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी हाईलाइटर आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं. तो इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो. आप इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं दोनों से अप्लाई कर रही हूँ, जैसे भी कन्वीनियंट हो. यू नो मेकअप इज़ समथिंग कि आप इसे अपने कन्वीनियंट पे करते हैं, आपको जैसा ठीक लगता है आप वो यूज़ करिए. और लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ फोकालोर की लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड पर्शियन प्लम. ये बहुत सुंदर प्लम शेड है एंड ये इस लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, सो आई थॉट लेट्स गो विद दैट. ओके सो टू कम्प्लीट दिस लुक आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर. ये बहुत अच्छा है, आपको एक हल्का सा डूई इफेक्ट देगा और का जो मेकअप है उसको फिक्स कर देगा. सो नाउ हियर इज द फाइनल लुक. ओपन आई फील द वेव्स कट थ्रू मी हिप्नोटाइज्ड बाय द साउंड्स आई एम ब्रीथिंग इन. होल्ड टाइट. गाइज आपको ये लुक बहुत बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर ज़रूर इसे क्रिएट करें. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं ये लुक क्रिएट करने के बाद. आई वुड लव टू सी यू गाइज. एंड अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ देखते रहने के लिए. आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे मेकअप लुक्स, मेकअप हॉल्स आने वाले हैं, डोंट मिस दैट. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, गो सब्सक्राइब. ओके सो आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, you all stay happy. Bye.